वही खबर कोटा के गुमानपुरा इलाके से आ रही है, जहां एक अधेड़ की नृशंस हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सोते हुए बुजुर्ग के सर पर वार करके उसकी हत्या कर दी गई। आइए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शहर के गुमानपुरा थाना क्षेत्र के छावनी रामचंद्रपुरा इलाके में एक अधेड़ की नृशंस तरीके से हत्या का मामला सामने आया है। सुरेश धोवी का शव उसकी दुकान के बाहर लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ था। खून की सनी बॉडी देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, FSL टीम को मौके पर बुलाया। टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। शुरुआती जांच में सामने आया कि मृतक के सिर पर किसी मोटे हथियार से वार किया गया है। मृतक के सिर पर एक गहरा जख्म व कान के नीचे चोट के निशान है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार मृतक सुरेश महावीर नगर इलाके का निवासी था, जो लंबे समय से छावनी रामचंद्रपुरा इलाके में शंकर भगवान मंदिर के पीछे बाबा ड्राई क्लीन शॉप लगाता था। वो दुकान के बाहर ही सोता था। संभावना जताई जा रही है कि देर रात अज्ञात बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। एक मिनट भाई साहब, बताए भाई साहब क्या बात, क्या पेट्रोल इन लोगों का? नाम सुरेश है, जाति डोबी है, रामचंद्रपुरा प्रेस का काम था, दुकान का प्रेस का काम करता था ये। रात को पता क्या अज्ञात आदमी ने उसका मर्डर कर दिया। नहीं तो ये दुकान पे रहते थे ये, घर पे अब तो कभी जाते थे कभी नहीं जाते थे। कोई कारण आ रहा ना सामने आ रहा आपको, क्या शक है कोई ऐसा? पता क्या कारण क्या, पहले कुछ दिनों पहले दुकान में आग लगा दी थी। हाँ, उसके बाद में ये अभी किन्होंने लगा दी थी ये भी पता नहीं चला। किससे रंजित कोई कारण आ रहा, क्या आग लगाने का कारण भी पता नहीं चला? कोई पता नहीं चला उसमें। दी गई, दी थी पुलिस को, थाने में लिखित भी दिया था सब। अच्छा, तो इसकी डेढ़ बड़ी दुकान के बाहर ही मिली है, दुकान के यहाँ छावनी सब्जी मंडी। किस चीज से आपने देखी बॉडी, किस चीज से लगी? कान कटा हुआ था उसका, सिर में चोट आ रही थी उसके। इसका मतलब पत्थर अतर से मारा होगा? पता क्या कान कट रहा था उसका, कान के दो टुकड़े हो रहे थे बीच में, सिर पे चोट, सिर में चोट आ रही थी। आज सुबह में सूचना मिली गोमेशन महादेव मंदिर के पीछे एक अज्ञात व्यक्ति के लाश पड़ी हुई है, उसमें से बदल खून निकल रहा है। यहाँ मौके पर पहुँचे, मौके पर इसके परिजन उपस्थित आए, जिन्होंने सूरज अपना इनका शिनाख्त किया और इसके अज्ञात व्यक्ति द्वारा सिर में चोट मारने से। तो प्रथम दर्जा हत्या हुई है, अनुसंधान कर रहे हैं, हत्या में दर्ज हुआ सर मुकदमा। हाँ, कोई रीजन जिन्हें सामने नहीं आ रहा, प्राणी विज्ञान का कोई कारण कोई अभी आए सोच कारण मेरा काम। तो परिजन आगे सर, ये बाहर ही रहता था या? हाँ, ये घर पे घर से 10-15 साल से बाहर ही रहते थे। कितनी उम्र? किसी केस से मारा है कुछ निशान वगैरह? हाँ, कोई अज्ञात वस्तु से चोट लगी। पोस्टमार्टम?